सरस्वती माता नमिये नमिये शरण तमारे रहिने भणिये। आ दुनियाना अमे अजाण्या सुख दुख सुं कहीं ना अम जाण्या नाना छइए मासूं करिए सरस्वती माता नमिए नमिए। इसी तरह से शाम का माहौल और मैं अपनी माँ की गोद में मैं बचपन की बात करता हूँ। और हमारा जो बंगला था बड़ा था उसमें रसोई घर अलग था और रसोई घर के पास सारी गाय बांधी हुई है, उसका बछड़ा ये गाय के साथ स्तनपान कर रहा है। मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, मेरी माँ मुझे भी दिखाती है कि देखो कैसा माँ प्रेम करती है। मुझे आज भी याद है जो माँ है जीभ से अपने बछड़े को प्रेम कर रही है और बछड़ा स्तनपान कर रहा है। मैं अपनी माँ की गोद में हूँ, मैं भी इसी तरह से जैसे बछड़ा खेल रहा है गाय के साथ उसे देख रहा हूँ। मैं अपनी माँ के गोद में हूँ, मैं भी इसी तरह से अपनी माँ को प्रेम कर रहा हूँ और माँ मुझे दिखाती है। इसके साथ साथ माँ के मुख से ये प्रार्थना माँ गाती है, मैं उसकी गोद में हूँ और मेरा संपर्क होता है अद्भुत राग से। ये राग ऐसा नहीं कि मैंने मात्र किसी का गाया बजाया सुना, ये राग मैंने ऐसे ही जिसे कहते हैं अंतर्नाद की ध्वनि, तुम्हें जब भी एकांत में बैठता था यही शाम धीरे धीरे टलती है। घर में लालटेन होती है, उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो हमारे घर का सर्वेंट है सारी लालटेन जलाता है। बंगला बहुत बड़ा है तो हर जगह पर वो लालटेन रखता है और मैं भीतर से इस राग को सुन रहा हूँ। और उस समय जो हमारे घर में हर भाई बहन को ये प्रार्थना इतनी प्रिय थी कि मेरी माँ भी जब भी मुझे गोद में लेती थी ये प्रार्थना गाती थी। और इसके साथ इस राग के साथ मेरा बहुत हार्दिक संबंध हो गया। ये राग जो आज मैं लेने जा रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ SYBSC की। जून महीना था, बारिश का मौसम, बारिश आ रहा है, प्रभात का समय और शाम का समय, खास समय जो मैं बताऊं तो बारिश का समय प्रभात और बारिश का समय शाम, इस पर मुझे एक रचना सुनाई देती थी। रचना थी सखी मोरी रूम जूम बार, इस तरह की एक रचना मुझे उस समय सुनाई देती थी। वो भीतर से धीरे धीरे नृत्य का रूप लेने लगी मेरे भीतर। जो आप देख रहे हो मेरा श्रृंगार, ये सब कुछ आज का नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इसका बीज है, वो है मैं जब SYBSC में था और जून महीना था, आज भी मुझे याद है, बारिश का मौसम और मेरे भीतर ये राग मुझे सुनाई देता था। यहाँ तक कि ये जो पूरी रचना है मैं आपको बताऊं, इसका उद्गम है महाराष्ट्र, जहाँ से ये रचना प्रकट हुई वो उसका उद्गम महाराष्ट्र है। मैं जो आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ ये है भारत के शास्त्रीय नृत्य का आध्यात्मिक रूप। अर्थात क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आज की दोपहर है, आज की पूरी दोपहर मुझे यही राग सुना, मैं सुनता रहा। ऐसा नहीं कि कोई मस्तिष्क का काम है, मैं गा रहा हूँ भीतर से, मैं मेरे आराम में ही हूँ, लेकिन ये रचना मुझे सुनाई देती है। ये संपर्क है भीतर के, संगीत सुनाई देता है, राग सुनाई देता है और इसके साथ साथ श्रृंगार दर्शन प्रकट होता है। श्रृंगार का दर्शन आता है। पूरी दोपहर आज मैंने इसी राग का दर्शन किया जिसमें श्रृंगार भी आता है, नृत्य के राग का श्रवण भी आता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँगा, जैसे कि मेरे भीतर से ये रचना भीतर 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 चलती रही कि इस रचना का
मैंने बहुत काम किया राग दर्शन पर, राग दर्शन और नृत्य जो अभी इन दिनों मैं आपके समक्ष प्रकट करने जा रहा हूँ, एक ही राग पर आधारित रचनाएं। उसका कारण है कि एक ही राग का श्रवण, स्वर का श्रवण आपके भीतर मस्तिष्क के कुछ ऐसे सेंटर है। वैसे तो राग का असर जितने भी शक्ति चक्र है उसके ऊपर आता है, और इसका विधायत्मक जो असर है मस्तिष्क के चक्रों पर, जो परम प्रसन्नता को प्रकट करता है। मेरा जो प्रयास है ये है कि जो मैंने अनुभव किया भारत के शास्त्रीय नृत्य में, भारत के शास्त्रीय संगीत में, वो अनुभव मैं आपके हृदय तक पहुंचा सकूं, मैं आप तक पहुंचा सकूं ये प्रसन्नता। अब कैसा होता है, इस राग को मैं खोजता रहा, मैंने ऐसे ये राग मिला लेकिन मुझे बहुत संतोष नहीं हुआ। आखिर में जो आज मैं प्रकट करने जा रहा हूँ वो वेंकटेश कुमार ने ये प्रकट किया हुआ राग है। अब ये क्या होता है ये भी बताऊँ। जैसे कि एक चेतना मेरा संपर्क कर रही है कि मेरे शरीर के द्वारा इस राग को प्रकट करना चाहती है, लेकिन राग अवेलेबल नहीं। जो ठीक से नृत्य दर्शन को प्रकट किया जाए इस तरह का मेरे हाथ में राग नहीं आ रहा है। अब यही चेतना वेंकटेश कुमार का संपर्क करती है। ये अंतर जगत के सारे बॉन्डिंग है, किस तरह से होता है काम मैं आपको कहता हूँ कि ये इसे प्रेरणा देती है कि आप दुर्गा राग गाओ। उसे प्रेरणा आती है कि ये दुर्गा राग गाए। मेरा भी कोई प्रयास नहीं, मस्तिष्क का प्रयास नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, ये कोई मस्तिष्क का प्रयास नहीं है कि मैं प्रयत्न कर रहा हूँ कि इसी तरह से ये राग होना चाहिए और ये किसी को ये प्रेरणा मिले और ये प्रकट करे। ये अपने आप होता है, इसमें जो धैर्य है जरूरी है। बहुत से इंसिडेंट्स है मेरे जीवन में, उसे ये प्रेरणा आती है और वो ये राग प्रकट करता है। सेम जिस तरह से आगे मैंने थोड़े दिनों पहले आपके समक्ष भीम पलासी रजू किया, उसका जा जा रे अपने मंदिर वा, सेम वही ईयर, सेकंड ईयर BSc का मेरा सेकंड ईयर, और इस राग के साथ मेरा हार्दिक संबंध और मेरे भीतर से नृत्य दर्शन प्रारंभ हो गया कि इसको किस तरह से इस राग को नृत्य में ढाला जा सकता है या प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी समय का ये राग दुर्गा, जिसमें ये जो प्रार्थना है ये रचना है, सखी मोरी रूम झूम। अब ये प्रेरणा इस संगीतकार को मिलती है, गायक को मिलती है, वो राग प्रकट करता है और ये रचना मेरे पास आ जाती है। और कैसा होता है, एक समय था, मैं आपको ऐसा कहूँ कि जो आपके हृदय से हार्दिक प्रयत्न करते हो, हार्दिक किसी को दिखाने के लिए या किसी को इम्प्रेस करने के लिए या और कोई प्रयोजन से नहीं, लेकिन आपके हृदय से ही संगीत प्रकट हो रहा है या नृत्य प्रकट हो रहा है, इसको कोई देखे न देखे इसके साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, ये भीतर की प्रसन्नता है। उस समय मैंने इतना अवेलेबल नहीं थी, उस समय कैसेट इतनी, मैं जब भी बड़े शहरों में जाता था मेरा एक काम था वो कि कहीं मुझे इस राग की, मेघ राग की कोई कैसेट मिलती है, दुर्गा की कोई कैसेट मिलती है, लेकिन उस वक्त तो ये संभव नहीं था। लेकिन आज मैं देखूं, अभी मैं शरीर में हूं, अभी जो मुझे इंटरनेट से जो मेरे शिष्य खोज के लाते हैं कि गुरुजी ये रचना दुर्गा की आप देखो आपको कैसी लगती है नृत्य के लिए, सब सक्रिय हो गए। और मैं ऐसा कहता हूं कि जो मेरा प्रयास था कहीं भी नहीं गया, अभी भी मुझे जो मैं खोज रहा था वो मिल रहा है। इसमें से एक रचना जो आज शाम मैं आपके समक्ष प्रकट करने को जा रहा हूँ, इस जगत के सर्व कलाकारों के भीतर बहती हुई कला की दिव्य शक्ति को हार्दिक वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, हमारे सबके भीतर उपस्थित दृष्टा स्वरूप परमात्मा के चरणों में वंदन करते हुए मैं आपको ले चलता हूँ। मैं पूरे जगत को निमंत्रित करता हूँ मेरी दिनचर्या में जो पवित्र संध्या अवतरित हो रही है, इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत का श्रवण और भारतीय शास्त्रीय नृत्य का दर्शन खुले आकाश के नीचे आपके जीवन की सारी चिंताएं बोझ हटा देती है और आपका संपर्क करवाती है परम शक्ति से, परम दिव्य शक्ति से,
ये मेरा प्रयास है नृत्य सुदर्शनम की ओर।